हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी मैं हूं आपके होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस स्पेशल अवेयरनेस डायरेक्ट डायल शो में जिसका नाम है एमल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबेटिक्स दोस्तों इस शो के जरिए हमने एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है और अब किताबों और बातों की सीमा से बाहर निकल गुड हेल्थ वापस लौट रही है स्पेशली फॉर डायबेटिक्स आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी एमिल ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था सी एस आई आर की रिसर्च का एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना डॉक्टर नितिका कोहली के नेतृत्व में जिस क्रांति की शुरुआत हमने की है वो मदद के रूप में देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है और आज डॉक्टर नितिका हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू अंकिता वेल फ्रेंड्स ये एक ऐसा शो है जहां आप आज डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं अगर आपको ब्लड शुगर की बीमारी है और आप भी उसे रेगुलेट करना चाहते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये मौका खास आपके लिए है फोन उठाइए नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड डॉक्टर नितिका सिंस इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की तो ब्लड शुगर लेवल्स में इम्यूनिटी का क्या रोल है अंकिता अगर हम बात करें ओवरऑल हेल्थ की भी तो इम्यूनिटी का बहुत मेजर रोल है और किसी भी बीमारी की जब हम बात करते हैं तो इम्यूनिटी लेवल्स अगर किसी भी इंसान के गड़बड़ाते हैं भले ही इम्यूनिटी अगर ओवर एक्टिव है इम्यून सिस्टम हमारा या अंडर एक्टिव है तो किसी भी बीमारी का आना बहुत ईजी हो जाता है तो इम्यूनिटी का अगर हम बात करें बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में तो वो है रोगों से लड़ने की हमारी शक्ति रोग प्रतिरोधक शक्ति जो कि सब सब इंसानों में होती है और अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो इसको एक और नाम दिया गया ओज जब हम बात करते हैं ओज की तो वो है हर इंसान में वो अलग है कि वो किस लेवल तक किसी रोग से बच सकता है तो जब हम बात करते हैं ब्लड शुगर की तो इम्यून लेवल्स अगर इम्यूनिटी लेवल्स जो है अगर पेशेंट के गड़बड़ाए हुए हैं भले अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है तो शुगर लेवल्स भी साथ ही साथ फ्लक्चुएट करते हैं और शुगर की बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ज्यादा और जल्दी दिखाई दी जाती हैं डॉक्टर जैसे ही हम कहते हैं कि डॉक्टर निदिका हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी जो फोन लाइंस हैं तुरंत व्यस्त हो जाती हैं आप सुनी सकती हैं फोन की घंटी बज रही है तो शुरू करते हैं लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल जी हेलो हेलो नमस्कार एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है हेलो हाँ जी जी आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही है मैं कुलवंत है मेरा नाम और अम्बाला से बात कर रही हूँ नमस्कार कुलवंत जी नमस्कार डॉक्टर कैसे आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसी हैं डॉक्टर ठीक हूँ मैं एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे उन्नीस साल से है डायबिटीज अच्छा और मैं अभी तक एलोपैथी की ले रही थी हाँ जी तो ऑलमोस्ट कंट्रोल रहती है वन के आसपास रहती है मेरी शुगर अच्छा तो अभी एक महीना होने वाला है मैंने वो बी 34 शुरू किया अभी महीना नहीं हुआ अच्छा तो वो मैं ले रही हूँ सुबह शाम तो मुझे पूछना था की वो ए, एलोपैथिक के साथ लेनी है तो या बीच में गैप दे के लेनी है जैसे वो टेबलेट देती हूँ उसके साथ ही ये लूं या बीच में गैप दे के जी ये जो आपने मुझे 140 फिगर बताई है ये आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर है या रैंडम या खाना खाने के बाद फास्टिंग भी ऑलमोस्ट इतनी होती है और मेरी नाश्ते के बाद भी इतनी होती है अच्छा देखिए जो आपका जो आपकी क्वेरी है कि आपको दवा जो है अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ लेनी है या नहीं देखिए जब हाँ। इतने साल से ब्लड शुगर है और आप जो दवाइयाँ ले रही हैं उससे कुछ हद तक कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड है आपकी ब्लड शुगर तो जब आप कोई भी नई दवा शुरू करते हैं भले वो हमारी दवा है तो लॉजिक तो ये कहता है कि पुरानी दवाई तुरंत नहीं छोड़नी चाहिए और जब उसको साथ में लेने की बात करते हैं तो कुछ गैप करके अगर आप लेंगे जब आप अपनी दूसरी दवाएं लेती हैं और हमारी दवा लेती हैं तो कुछ गैप करके लेंगे तो ज्यादा फायदा नजर आता है और साथ ही साथ अब आपको चूंकि एक महीना हो चुका है आपको अपनी ब्लड शुगर को इन्हीं एक